आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि सर, रात को जब कुत्ते रोते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है क्योंकि बचपन से मैं ऐसे सुनते आया हूँ कि जब भी कुत्ते रोते हैं तो कुछ अपशकुन होने वाला होता है, और कुत्ते तभी रोते हैं जब उनको प्रेतात्माएँ दिखती है या जिस घर के आगे कुत्ते रो रहे होते हैं तो उस घर के अंदर कुछ खराब होने वाला होता है। इस कारण से मुझे बहुत डर लगता है, और कुत्ते जब रोते हैं तो फिर मैं उनको भगाता हूँ या उनको चुप करवाता हूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती, बहुत डर लगता है सर, इसका मैं क्या करूँ? देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं जिसमें कुछ चीज़ें शुभ मानी जाती है, कुछ चीज़ें अशुभ मानी जाती है। उसमें जो कुत्ते का जो रोना है, कुत्ते का जो भौंकना है, वो अशुभ माना जाता है अगर वो रात को किसी घर के आगे भौंक रहा हो। और ऐसा माना जाता है कि जो कुत्ता है वो प्रेतात्मा को देख सकता है, भूत को देख सकता है, इसलिए कुत्ता रोता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइंटिफिकली चेक करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस मोबाइल के ऊपर लाइट आ रही है और वो लाइट मेरे आंखों के अंदर जा रही है। जो मोबाइल है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी मुझे कोई चीज़ दिखाई देगी। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देगी। लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? मास की ज़रूरत है। अगर कोई मास है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वो मेरी आंखों में जाएगी, तब वो मुझे दिखाई देगी। जैसे स्पेस है, स्पेस के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। हाँ, कोई ग्रह है, कोई पार्टिकल है, वो जरूर दिखाई दे जाता है क्योंकि वहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। बाकी पूरा स्पेस है वो अंधेरा होता है, कुछ भी उसके अंदर दिखाई नहीं देता। तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे उसके लिए उसके पास में मास होने की ज़रूरत है, उसके पास में मास होना चाहिए। अच्छा, मास का मतलब शरीर। आत्मा के पास तो शरीर होता ही नहीं है, प्रेत के पास शरीर होता ही नहीं है, तो फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? प्रेत के पास में, आत्मा के पास में मास होता ही नहीं है, शरीर होता ही नहीं है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो दिखने की तो कोई संभावना है ही नहीं। तो ये जो लाइन है कि कुत्तों को आत्माएँ दिखती है, तो आत्मा किसी को भी नहीं दिखती क्योंकि उसके पास में भाई मास ही नहीं है। मास होगा तभी तो वो दिखाई देगा ना। देखने की जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, तो आत्मा कुत्तों को दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो फिर सर वो रोते क्यों हैं? देखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान का क्या मानना है, विज्ञान की जो साइंटिफिक स्टडीज है वो ये बताती है कि जो कुत्ता है, जैसे इंसान सामाजिक प्राणी होते हैं वैसे कुत्ता भी एक सामाजिक प्राणी है जो इंसानों के साथ में घुलमिल कर रहता है। जैसे इंसान एक सोसाइटी बना के रहता है, एक कॉलोनी बना के रहता है, कुत्ता भी अपनी कॉलोनी बना के रहता है, एक टेरिटरी बना कर रखता है। उस टेरिटरी के अंदर अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो कुत्ता रोकर अपने बाकी साथियों को ये मैसेज देता है कि भाई तुम आ जाओ, इसको यहाँ से भगाना है। तो एक तो रोने के पीछे का कारण ये है। दूसरा, जब इंसान जैसे अकेला महसूस करता है, परेशान होता है, तब वो रोता है। उसी तरह से कुत्ता भी जब अकेला होता है, परेशान होता है, अकेलापन फील कर रहा होता है, तो वो अपनी जो फीलिंग्स है वो रो के बयां करता है। जो रात को जो रोने की साउंड आती है उससे वो बयां करता है। तीसरा, अगर वो किसी दर्द से परेशान है, किसी और चीज़ से परेशान है, भूखा है, तब भी वो रोता है। तो रोने के पीछे के कारण ये है, ना कि वो किसी प्रेतात्मा को देख के रोता है, क्योंकि प्रेतात्मा को देखना पॉसिबल ही नहीं है। दिखती वही चीज़ है जो एनर्जी को, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो, और लाइट रिफ्लेक्ट तभी होती है मास हो। प्रेतात्मा के पास तो मास है ही नहीं ना, शरीर है ही नहीं, तभी तो वो प्रेतात्मा बोले, तो दिखने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो दोस्तों, सही चीज़ दिमाग में डालिए और अपने डर को भगाइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।